नाम था अनुपात और समानुपात। ये वीडियो का फोर्थ पार्ट है अनुपात समानुपात का। जिसने अभी तक तीन पार्ट नहीं देखे हैं सबसे पहले वो वीडियो के तीन पार्ट देखें ताकि आपको ये पार्ट भी आसानी से समझ में आ जाए। ठीक, तो आपको जो तीन पार्ट के वीडियो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं जा करके। चलिए देखते हैं हम लोग इस पार्ट में क्या क्या पढ़ने को आपको मिलेगा। तो सबसे पहले 10 क्वेश्चन हो गए थे हम लोग का, 11वां क्वेश्चन चल रहा था। तो 11वां क्वेश्चन क्या है, 11वां क्वेश्चन कह रहा है 117 रुपए को ए बी सी में 1/2, 1/3, 1/4 के अनुपात में बांटा जाना था, लेकिन गलती किसी ने कर दी और उसको 2, 3, 4 के अनुपात में बांट दिया। तो सबसे अधिक लाभ किसको हुआ और कितने रुपए का लाभ हुआ ये बताना है आपको। ठीक, तो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन को। कह रहा है कि 11वां नंबर क्वेश्चन है ये, ए बी और सी को 1/2, 1/2, 1/3, 1/4 के अनुपात में बांटना था। ये बांटना था लेकिन किसी ने गलती से क्या करा, गलती से बट गया। ये कौन से रेशियो में, गलती से बट गया 2, 3, 4 के रेशियो में, 2, 3 और 4 के रेशियो में। बटे का उसने ध्यान ही नहीं दिया कि बटे में था कि ऐसे ही था, 2, 3, 4 के रेशियो में बट गया। तो ये बताना है कि सबसे ज़्यादा लाभ किसको हुआ और सबसे ज़्यादा कितने रुपए का लाभ हुआ। ठीक, तो देखते हैं हम लोग। सबसे पहले तो उसको सही से लिख लेते हैं ए बी सी वाले को। तो जो बटना था उसको सही से लिखो, ए बी सी 1/2, 1/3, 1/4 है। ठीक, अगर इससे ए का रेशियो निकालेंगे हम लोग तो ए का रेशियो निकालने के लिए क्या करते हैं, इसको छुपा लेंगे, इन दोनों का गुणा करा लेंगे, कितना जाएगा 4 × 3 = 12 आ जाएगा। बी को छुपा लेंगे, इन दोनों गुणा कराएंगे, 4 × 2 = 8 आ जाएगा। और ए सी का मान निकाल देंगे, सी को छुपा लेंगे, 3 × 2 = 6 आ जाएगा। ये कट सकता है, काट देंगे, ये 4 से कट सकता है, 4 × 3 = 12 आ जाएगा, 4 × 2 = 8 आ जाएगा। और 4 से नहीं कट सकता, ये 2 से कट सकता है भैया, 4 से नहीं कट सकता, 2 से कट सकता है। यहाँ आएगा 2 × 6 = 12, 4 × 2 = 8, 3। ठीक, ये आ जाएंगे इनके क्या अनुपात आ जाएंगे, जिसमें इनको क्या होना था, ये इनको बांटना था, इसमें इस रेशियो में बांटना था। ठीक, अगर इस रेशियो के हिसाब से हम लोग बात करें और ये रेशियो गलती से बट गया, ये रेशियो बांटना था वो रेशियो गलती से बट गया, तो देखो साफ साफ दिख रहा है कि ए और बी ज़्यादा थे वैल्यू और बाद में इनकी वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई, जबकि सी की वैल्यू में बढ़ोतरी हो गई। इसका मतलब सी का फ़ायदा हुआ है, ऑफकोर्स जाहिर सी बात है कि सी का फ़ायदा हो गया। सी का क्या हो गया, सी का फ़ायदा हुआ है। अब सी का कितने रुपए का फ़ायदा हुआ ये निकालना है। तो सी को मिलना कितना था, सी को मिलना था पहले कितना, तो 6, 4, 10, 10, 3, 13, 13 कितने रुपये बांटने थे ये भी दिया था उसमें, 117 रुपये बांटने थे। कितने रुपये बांटने थे, 117 रुपये बांटने थे क्वेश्चन में। तो 13 का भाग बराबर होगा किसके, 117 के, तो एक भाग बराबर होगा 117/13 के, तो एक भाग बराबर 9 के आ गया। सी का भाग है 3, तो 9 × 3 = 27 किसका भाग है, 27 सी का भाग है, वो था 27। सी को कितना भाग मिला था, 27, लेकिन मिला कितना, तो देखो सी का जो अनुपात है गलती वाला, 4, 3, 7, 2, 9, 117, 9 बराबर है किसके, 117, तो एक भाग बराबर हो जाएगा 117/9 के, तो एक का मान आ गया 13, सी का भाग आया 4, 13 × 4 कितने रुपए मिल गए सी को, सी को मिल गए 52 रुपए, 13 × 6 = 52 रुपए सी को मिल गए। तो सी का फायदा कितने रुपए का होगा, 52 रुपए उसको मिल गए उसको 52 रुपए, मिलना कितना था 27 रुपए, कितने का फायदा हो गया, प्रॉफिट कितने का हो गया उसका प्रॉफिट हो गया 52 में से 27 घटा दोगे आ जाएगा 25 रुपए का, 25 रुपए का उसको फायदा हो गया। ठीक, तो एकदम सिंपल सी बात है, यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, कुछ नहीं, बस जो भी दिया था हमको समीकरण, ठीक, उसको सही से लिख लिया, जितना बांटना था उसको निकाल लिया, उससे हमने सी का, क्योंकि सी केवल एक ऐसा था जिसमें क्या थी, वृद्धि हो रही थी, बाकी दो में क्या हो रही थी, कमी हो रही थी। उसके बाद सी का मान निकाला, 27 मिलना था उसको, और सी को मिल कितने गए, सी को मिल गए 52 रुपए, सी को 52 रुपए मिले, तो एक्स्ट्रा कितना मिल गया, सी को मिल गए 25 रुपए एक्स्ट्रा मिल गया। ठीक, नोट कर लीजिए, आगे चलते हैं। इसको 27 रुपए मिलना था लेकिन मिले उसको 52, फायदा 25 का हो गया। ठीक, चलिए देखते हैं इसमें लगाऊंगा क्वेश्चन। देखते हैं इसके बाद आएंगे क्वेश्चन लोग। इसके बाद वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 12वां नंबर कह रहा है कि ए बी सी के वेतन में 1, 3 और 4 का अनुपात है, उनके वेतन में 5%, 10% और 15% की वृद्धि कर देने पर अनुपात क्या होगा। ठीक, तो 1, 3 और 4 का अनुपात है, तो नंबर 12वां नंबर क्वेश्चन है, 12वां नंबर क्वेश्चन है ए बी और सी 1, 3 और 4 का अनुपात है।
एक तीन और चार का अनुपात है और पांच और दस और पंद्रह की वृद्धि, इसके बेटे ने 5% की वृद्धि, इसमें 10% और इसमें 15% की वृद्धि की गई है। तो बताना है आपको कि नया अनुपात क्या होगा। एकदम सिंपल सी बात है, देखिए बेटा वृद्धि, अगर वृद्धि हम लोग परसेंटेज आता नहीं प्रतिशत आया करे तो 100 ले लिया करिए, प्रतिशत आया कर 100 ले लिया करिए, 100 में 5 जोड़ा 105 हो गया, 105 हो गया इसका वेतन, इसका कितना हो गया 110 हो गया वेतन, इसका कितना हो गया 115 हो गया, ठीक ये वृद्धि हो गई वेतन में। कितने का रेशियो था इनका, इनका अनुपात था एक तीन और पाँच का, एक का तीन का और चार का सॉरी, तो यहाँ पे अनुपात आ गया, खत्म, हल कर लिए इसको, कट जाएगा ये जो काट देंगे हम लोग, ये पाँच से काटेंगे 21 आएगा, 5 से काटेंगे 22 आएगा, 5 से काटेंगे 23 आएगा, ठीक। तो 21 22 3 66 और 23 चौको 4 3 12 की दो आँसे लगी एक, 8 2 10 7 12 की दो आँसे लगी एक, 4 2 10 1 92, ठीक। ये इसका क्या हो गया रेशियो, ठीक है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई ज़्यादा कठिन वाली बात नहीं है कि अगर जितनी वृद्धि होती है उसकी वृद्धि को 100 में ऐड कर लिया, उसके बाद उनके अनुपात से उसमें मल्टीप्लाई करा लिया, वही नया रेशियो हो जाता है, ठीक। इसका देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर रहा है, किसी कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या की अपेक्षा 12% ज्यादा है, मतलब लड़के 12% ज्यादा है लड़कियों से, तो लड़कों और लड़कियों में अनुपात ज्ञात करना, ठीक। तो 12% ज्यादा है, क्या कह रहा है खोजना भी बताया, कह रहा है जो लड़के हैं वो लड़कियों से 12% ज्यादा है, 12% क्या है, 12% ज्यादा है। तो देखिए इस क्वेश्चन को करने के बहुत ही सिंपल तरीका है, क्या तरीका है समझिएगा मेरी बात, पहले बेसिक कर लेते हैं फिर हम लोग क्या कर लेते हैं, पहले बेसिक कर लेते हैं उसके बाद हम लोग क्या कर लेंगे, हम लोग ट्रिक लगा देंगे, एकदम सिंपल सी बात, ठीक। तो 12 है, देखिए एकदम सिंपल सी बात है कि बी जब ज्यादा होता है परसेंटेज आ जाए, 100 लिया 100 ज्यादा है 112 हो गया, 112 बटे 100 हो गया, कोई दिक्कत नहीं आता, यहाँ तक समझ में आ रहा होगा अच्छे से, ठीक। उसके बाद देखिए इसको जी को नीचे भेज दीजिए, बॉयज और गर्ल्स में अनुपात चाहिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है बॉयज और गर्ल्स में, क्या चाहिए रेशियो चाहिए कितना होगा, तो जी को नीचे भेज दिया मैंने गर्ल्स को, तो यहाँ कितना 112 बटे 100 आएगा, 4 से काट सकते हैं 28 आएगा, नीचे कितना आएगा 25 आएगा, ठीक। तो बॉयज और गर्ल्स में अनुपात कितना जाएगा 28 और 25 का जाएगा, सिंपल सी बात है। अगर हम लोग यही क्वेश्चन ट्रिक से करते हैं तो ट्रिक से देखिए एकदम सिंपल सी बात है, 12% दिया गया, 12% ज्यादा है तो 12/100 कर सकते हैं, 12/100 का मान 3/25 आता है, ज्यादा कौन है बॉयज ज्यादा है कि गर्ल्स ज्यादा है, कह रहा है बॉयज ज्यादा है और लड़कियां क्या है लड़कियां कम है, तो बेटा देखिए जब बॉयज ज्यादा है तो बॉयज कितने ज्यादा है 12% और 12 का मान है 3/25, तो बॉयज कितने हो गए 25 + 3, लड़कियां कितनी है 25, तो एक था 28 और 25, इसका क्या हो जाएगा, एकदम सिंपल सी बात है, जितना भी दिया होगा अगर कमी गएगा तो हम लोग 25 में 3 घटा देते, 25 में 3 घटा देते तो लड़के कम हो जाते, लड़कियां क्या होती ज्यादा जाती, लेकिन वृद्धि गएगा तो जोड़ देते, कमी गई था तो घटा देते, और बस 25 में 3 जोड़ी 28 आ गया, वो लड़के हो गए, 25 क्या होगी लड़कियां होंगी, समझ गए आप अच्छे से, नोट पे ले दोनों क्वेश्चन, चला के चलते हम लोग ये 3 क्वेश्चन, उसके बाद देखते आएंगे हम लोग 13 क्वेश्चन के बाद 14 क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए 14 क्वेश्चन कह रहा है हम लोगों से कि किसी कोण किसी समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली भुजाएं भुजाओं का अनुपात 5:12 के अनुपात में, यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 270 वर्ग सेंटीमीटर हो तो कर्ण की लंबाई बात करनी है। देखिए पहली बात 14 नंबर क्वेश्चन है ये हमारा, कह रहा है कि जो समकोण बनाने वाली भुजाएं हैं, समकोण बनाने वाली भुजाएं भुजाएं वो अनुपात में है 5:12 के अनुपात है, 5:12 के, और इसका क्षेत्रफल एरिया दिया गया, इसका एरिया क्या दिया गया, एरिया दिया गया है 270 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। तो कह रहा है कर्ण ज्ञात करना है, कर्ण ज्ञात करना है, तो देखो सबसे पहले आपको इसके लिए क्षेत्रफल आना चाहिए, क्षेत्रफल क्या होता है समकोण त्रिभुज में, जो क्षेत्रफल होता है वो होता है आधार गुणे ऊंचाई, ठीक। जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है फॉर्मूला, तो ये देखिए ऐसा बनाएंगे हम लोग अगर समकोण त्रिभुज, अब इसके बजाय हम आपको कर्ण की बतानी चाहिए, ये आधार होता है इसका, कर्ण क्या होता है कर्ण होता है ये, और जो 90 के सामने वाला भुजा होती है उसको कर्ण बोलते हैं, आधार ये हो गया ये लोग लंब, ठीक। तो क्या समकोण बनाने वाली भुजाओं का अनुपात है 5:12 का, तो देखो अगर तुम लोग सही से जिसने पढ़ा रखा है
ठीक। अगर 5 और 12 कहीं पे भी आता है समकोण त्रिभुज में, तो ये कर्ण हमेशा 13 होता है। जिसको नहीं पता है देख लो, यहाँ पे थोड़ा सा हम कर लेते हैं। 5 का स्क्वायर ये होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण बराबर किसके आ जाएगा, ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 144। तो कर्ण आ जाएगा यहाँ से कितना, उड़ गई थी मंत्रा इसकी। ठीक, तो कर्ण आ जाएगा कितना, अंडर 169, ये आ जाएगा 13 गेक का। ठीक, कर्ण कितना क्या, 13। इसका कर्ण 13 क्या, हमने पहले लिख दिया था। जब 5 12 होता है तो हमेशा याद रखिए कर्ण 13 होता है। ठीक, तो इसको नोट कर लीजिएगा, नहीं तो याद कर लीजिएगा, क्या दिक्कत है। देखिए आगे इसके बाद, अब क्या कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल 270 दिया गया था। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला पता ही होगा सबको, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है। यहाँ पे ऊंचाई की जगह लंब लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्षेत्रफल कितना है, 270 है, 1/2 आधार कितना है 12x, लंब कितना है 5x, x मान लिया सानुपातिक गुणा। तो 270 इसको इससे काटोगे 6 आएगा, 6 × 5 = 30 हो जाएगा, 30x² हो जाएगा, 30 से इसको काटोगे 9 आएगा, x² = 9 आ गया। तो x बराबर कितना आएगा, ±3 आ जाएगा। x1 ± 3 हम लोग प्लस कर लेंगे, भुजा माइनस में नहीं होगी क्योंकि। ठीक, तो कितना आ गया, x1 3 आ गया, तो कर्ण की लंबाई, कर्ण है 13, कर्ण का रेशियो क्या है 13x चल रहा है, कर्ण किसके बराबर 13x के। तो 13 × 3 कर लोगे, 13 कितना होता है 39 सेंटीमीटर आंसर आ गया। ठीक, एकदम सिंपल सी बात है, थोड़ा बेसिक थोड़ा लेंदी हो रहा है क्वेश्चन, ठीक, लेकिन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कहीं से कठिन नहीं है। क्योंकि देखिए हम लोग को पता ही है भुजाओं में कर्ण, समकोण भुजाने वाली भुजा 5 और 12 के अनुपात में थी, और ये कर्ण निकाल लिया 13 हो गया, तीनों का अनुपात निकल गया 5 12 13 है। ठीक, अब क्षेत्रफल निकालना, क्षेत्रफल है 270, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आधार हो गया 12x और लंब हो गया कितना 5x, हल कर लिया, x का मान आ गया 3, कर्ण 13x था, 13x लिया, x का मान रख दिया, तो डिजाइन हो गया। ठीक है, नोट कर लीजिए, आगे चलते फिर इसके बाद। ये आपने एकदम सिंपल क्वेश्चन था, ये भी ज़्यादा कठिन नहीं था। इसके बाद का एक और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, त्रिभुज से रिलेटेड वो भी है। ठीक, 15 नंबर अपना, तो देखते 15 नंबर क्या कह रहा है क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक त्रिभुज है जिसके कोण क्रमशः 2, 3 और 4 के अनुपात में है। तो कह रहा है छोटे कोण का 2 गुना और दूसरे सबसे बड़े कोण का 3 गुना का योग कितना होगा। समझिए मेरी बात, जो कोणों का अनुपात है, कोणों का अनुपात है वो है 2, 3 और 4। 2, 3 और 4 है किसका अनुपात, कोणों का अनुपात, थोड़ा छोटा हो गया है। ठीक, थोड़ा बड़ा कर देते इसको, तो 2, 3 और 4 है। ठीक, कोणों का अनुपात, और कह रहा है छोटे कोण का 2 गुना और दूसरे बड़े कोण का 3 गुना का योग कितना होगा। एकदम सिंपल सी बात है, देखिए कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। इसको ले लो 2x 3x और 4x। ठीक, x का मान निकाल आएगा ऐसे 4 × 3 = 9, 180 बराबर हो गया, x बराबर आ गया 20 आ गया। सबसे छोटा कोण कौन सा होगा, छोटा कोण कौन होगा, 2x वाला, 2 × 20 कितना 40 आ गया, पहले छोटे कोण का मान। दूसरा सबसे बड़ा कोण, दूसरा बड़ा कोण कौन होगा, तो सबसे बड़ा होगा 4x, दूसरा बड़ा होगा 3x, एक्स का मान 20 है, 60 आ गया। ठीक, कह रहा छोटे कोण का 2 गुना, छोटे कोण का 2 गुना और दूसरे बड़े कोण का 3 गुना का योग कितना होगा। ठीक, योग कर लो, जोड़ लो, 40 × 2 = 80, 60 × 3 = 180, इसको इसमें जोड़ोगे 260 आ जाएगा। ठीक, एकदम सिंपल सी बात है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, कहीं से भी कठिन नहीं है। कह रहा 2, 3, 4 का अनुपात, 2, 3, 4 के बराबर 180 कर दिया, एक्स का मान निकाल आया, छोटा कोण निकाल लिया, बड़ा कोण निकाल लिया, छोटे कोण का 2 गुना बड़े कोण का 3 गुना का योग निकाल करके आंसर निकाल लिया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ठीक है, नोट कर लीजिए यहाँ तक। और दूसरी बात, ये वीडियो यहीं तक रखते हैं हम लोग। ठीक, जो हम लोग का नेक्स्ट वीडियो है, नेक्स्ट वीडियो होगा हम लोगों का सिक्के संबंधी क्वेश्चन, और उसके बाद वाला जो वीडियो होगा वो क्वेश्चन वो होगा हीरा और सोने वाले क्वेश्चन। ठीक, उसके भी रिलेटेड इसमें अनुपात वाले, अनुपात और समानुपात में क्वेश्चन आते हैं। तो सब तब के लिए आप यहीं 15 क्वेश्चन इसके पढ़िए, और जो हमने स्टार्टिंग में प्रभाषा लिखाई थी उनको समझ लीजिए। ठीक, जिसने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। ठीक, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि वो भी आसानी से पढ़ लें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और जिसने अभी तक PDF नहीं खरीदी है
बहुत सारे लोग पीडीएफ ले चुके हैं, अगर यदि आपने नहीं ली है तो सबसे पहले पीडीएफ लीजिए, ताकि आपको एकदम आसानी से जब कोई भी डाउट होगा तो आपको पीडीएफ में तुरंत मिल जाएगा, और वीडियो में तो आपको मिल ही जाएगा। कमेंट करके आप अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है। तब तक मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए।